नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन गुप्ता और मैं तरुण चेतना से हूँ। एक सामाजिक संस्था है जो सेफ गल्फ माइग्रेशन यानी कि सुरक्षित प्रवास के मुद्दे पे काम करता है, लोगों को जागरूक करता है कि आपका जो प्रवास हो सुरक्षित हो, पूरी लीगल और कानूनी प्रक्रिया क्या है उसके साथ जो है सारे लोगों को जानकारियाँ दी जाती हैं, जगह जगह पर मीटिंग करवाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से आप बाहर जा सकते हैं और अपने प्रवास को सुरक्षित कर सकते हैं। तो क्या आप लोग सिर्फ जानकारी देते हैं या फिर जो बाहर जाना चाहता है उन लोगों की मतलब संपूर्ण तरीके से मदद भी करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग संपूर्ण तरीके से मदद भी करते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग भेजने का काम नहीं करते हैं, बस उन्हें ये बताते हैं कि आपकी ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप उस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पर जाइए और हमेशा रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट के माध्यम से ही जाइए ताकि आपका जो प्रवासन हो वो सुरक्षित हो, और हमेशा वर्किंग वीजा पे ही जाए ना कि टूरिस्ट वीजा पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि उन जो दलाल होते हैं जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई ऑफिस नहीं होती है, वो लोगों को बहुत बहलाते फुसलाते हैं और तरह तरह की बातों में उनको फंसा के रखते हैं। जैसे कि क्या, वो उनको विदेश के नाम पर जो वीजा देते हैं वो टूरिस्ट वीजा दे देते हैं, क्योंकि अभी जो खाड़ी देशों में है जो वीजा आता है कि अरबी लैंग्वेज में आता है, अरबी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती, जिस वजह से जो वो बातें कहते हैं हम वही उतनी ही बातें समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप उसी भाषा का उसी वीजे का अगर आप डिमांड करें तो दो उसमें आ जाएगा, आपका इंग्लिश में भी आता है, आप डिमांड कर सकते हैं कि आपका जो वीजा आया हो इंग्लिश लैंग्वेज में आए, और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है आप mother.com पोर्टल है, आप उस पर कंप्लेन उस पर आप जानकारी ले सकते हैं, और फिर www.upnri.grs.com है, इस पर भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन और अपने वीजा के बारे में, क्या आपका वीजा है, किस काम का है, और साथ ही साथ POI ऑफिस यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट जो कि लखनऊ में बना हुआ ऑफिस है, वहां पे जाके आप अपने वीजा को चेक भी करा सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी आप विदेश जाएं, जाने से पहले एक बार MRC जरूर जाएं। MRC मतलब होता है माइग्रेशन रिसर्च सेंटर, जहां पे आपको फ्री में काउंसलिंग और फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है जिस काम के उद्देश्य से आप बाहर जा रहे हैं, तो इन संस्था पे जाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ बाहर जाने से पहले POI ऑफिस में रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे ये होगा कि वो रजिस्ट्रेशन जो आप करवाते हैं POI ऑफिस में वो इंडियन एम्बेसी में रहता है, जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ भी वो डाटा आपका रहता है। अगर भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, आपको आराम से वहाँ से मदद मिल सकती है, भारतीय दूतावास से या फिर IOWRC बना हुआ है, इंडियन ओवरसीज वर्कर सेंटर जो फॉरेन में बना हुआ है जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। थैंक यू। आइए हम एक और महिला से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विदेश भेजने के नाम पे इनको किस तरीके से ठगा गया। हरविंदर का ये हम शादी हमारे पड़ी रही है, काजनी कहाँ ठगे गए, कहन कहन कि तुम पैसा दे दे, हम इनका सऊदी भेज दे। आपका नाम? हमारा नाम गौरी। गांव? नारा। नारायण। तो मतलब सऊदीया जो भेजने का बात हुआ था वो किसको भेजने के लिए बात हुआ था? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को? धर्मेंद्र कौन है ये? मेरा लड़का। आपका लड़का है? तो वो सऊदीया गए नहीं अभी तक? नहीं, पासपोर्ट ना बना। पासपोर्ट भी नहीं बना? तो किसने बोला था आपको कि वहाँ सऊदीया ले जाएंगे हम? कहा था सऊदीया ले गया तो 5,000, 10,000, 12,000 ले लें रुपया, कहने अब लग जाए, अब लग जाए, क्यों बताया जाए 3 महीने तो कहाँ भेज दे सऊदीया। तो हम कहे चलो ठीक बात है, हमका हमार नैहर यहाँ है रायपुर, हमारे घर नारा है के, तो हम कहे चलो ठीक बा भाई भेज दे भाई, हम वो अपन खेत बिघा धरे रुपया उनका 10,000, 12,000, 6,000, 5,000 उनका हम 40-42,000 रुपया दे दें। ये पैसा आपने किसको दिया? कुलदीप। कुलदीप। तो ये कुद्दूस क्या कोई एजेंट है, क्या है, मतलब क्या सोच के आपने, मतलब कैसे, क्या बोला उसने कि मैं क्या हूँ, आप मेरे को पैसा दीजिए? अरे हम सोचे नैहर खान भाई भतीजा है, दे दे, ये समझ के दे दे है विश्वास के ऊपर। तो कितना पैसा दिए उनको? 42,000 किस्तों में दिया कि वो 42,000 एक साथ दिया पूरा? नहीं, 10,000, 6,000, 12,000 ऐसे। तो कोई आपको तारीख या कोई दिन याद होगा कि आपने हाल ही फिलहाल में जब उनको पैसा दिया हो, कुछ रकम दिया हो? 7 जून से पैसा शुरू किए। 7 जून कौन सा सन? 15
मतलब सन 2015 7 जून 2015 से आप उनको पैसा दे रहे हैं? हाँ। अभी तक दे रहे हैं? नहीं, दो महीना दिए साल 2015 में। हाँ। तो जब साल 2015 में उन्होंने आपसे पैसा लिया, आज इस चीज को 3 साल हो गया। हाँ, 3 साल हो गया। तो इस चीज के मामले में आपने कभी कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कराई? नहीं, मजबूर हम जगह एक नई घर का आदमी है। मतलब अपनापन समझ के आपने उनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की? ना। चलिए, उनका मजबूर ना की। इस कैंप के बारे में आपको कैसे पता लगा? प्रधान बताया है कि आज रहायतपुर कैंप लागे, तब उसे आए सवेरे पैदल। तो जैसे कि आपने इन लोगों को अपना समस्या बताया, तो क्या लगता है कि जो आदमी वो आपका पैसा लिया है उससे पैसा दिलाने में कितने सहायक हो आपका कर पाएंगे? ठीक बताए। ठीक बताए। हाँ, आपका नाम? हरि प्रसाद है। आप रहने वाले कहाँ से हैं? कल्याण। कल्याणपुर। तो आपके साथ में क्या वारदात हुई है, कुछ बताएंगे? यहाँ रहायतपुर के मतलब जो वकील है नाम पे, उसने कहा हम आपके लिए बच्चे को भेज देंगे, कितना पैसा मतलब 65,000 रुपया खर्चा लगेगा। धीरे धीरे पैसा टोटल वो ले लिया। 65,000? 65,000 मतलब धीरे धीरे मतलब 10,000 5,000 ऐसे? दो किस्त में पैसा पूरा ले, मतलब एक बार 35,000 और एक बार 30,000 ऐसे दो किस्तों में ले लिया। बाद फिर क्या बोला, आप कपड़ा लत्ता लेके तैयार हो जाओ, आपको मतलब पूरा काम ओके हो गया। फिर बाद में लास्ट में क्या किया, फर्जी टिकट ला के हमको दे दिया। फर्जी टिकट? मतलब फर्जी मतलब वहाँ से रिटर्न टिकट सऊदी। अच्छा। अब फला तारीख का तैयार हो जाए, कपड़ा लत्ता लगा, प्लस में कपड़ा लत्ता 10,000 का, 10,000 कपड़ा लत्ता खरीदे। लास्ट में फिर का नाम कहे कि ये तो काम गड़बड़ हो गया, बताई थोड़ा, तब से फिर ऐसे बताओ में अब तक ले ना पैसे दे हैं। तो मतलब कि आपने इस चीज की किसी से शिकायत नहीं करी आज तक? नहीं, यहाँ दो चार दिन हम मतलब गांव देश सबका बुलाए बटोरे कहें ठीक वो मिल जाए, नाते हम थोड़ा साथ रहे, हमें धंधा कही दू पैसे कमा के मारा, ज्यादा बवाल ना करे। सही बात। तो मतलब आपने इसके बारे में कोई पुलिस कंप्लेन और कोई शिकायत नहीं? एक बार उनका बताए तो दो बार में हमका 28,000 रुपया रिटर्न दे, 38,000 रुपया हमारा है। अब भाई 38,000 रुपया आपका उनके पास फंसा हुआ है। तो वो व्यक्ति कौन थे जो आपसे पैसा लिए? यही रिहायतपुर के मतलब निजी स्वाई लड़कियाँ है, मतलब वो यही गांव के रहने वाले हैं। रहने वाले हैं, मौके पे यहाँ बनाए हैं कहीं। तो मतलब आपको क्या बोला गया कि वो एजेंट हैं या वहाँ काम दिलवाते हैं, क्या बोला? नहीं, वो कहन कि हमारे एक नाथ बांस साथी है ना, उनसे काम तो पूरा कराए। अच्छा, मतलब उन्होंने आपसे बोला कि आपका कोई उनका कोई रिश्तेदार वहाँ पे है, उसकी मदद से वो आपका सारा काम वहाँ पे करवा देंगे। तो ये मतलब कितने दिन तक उन्होंने आपको ये झूठ बोला? अरे लगभग साल हुई, अरे 1.5-2 साल हुई ना। हाँ, 2 साल ऊपर हुई। तो इस बात को आपका पता कैसे चला कि इन्होंने मेरे को पागल बनाया है? वो जब टिकट दें यहाँ कर रहा है वाले हम कहे टिकट दिखाए, कहें भाई ये टिकट गलत है, हर टिकट ना हो बाहर को वापसी टिकट है, तब उनसे कहे लगे तो हमका देश भर के। तो उस टिकट की कॉपी अभी तक आपने रखी है? हाँ, है हमारे पास कहीं जरूर। तो सारे दस्तावेज आपने रखे अपने पास? हाँ, मतलब जो दे हैं कुल हमारे पास है। तो ये तरुण संस्था के इनको बताया आप लोगों ने अपनी समस्या? नहीं, हम दोनों भाई बताए, लेकिन अब प्रधान पहला कई बार बताए है। चलिए, तो आप मतलब और कुछ लोगों को बोलना चाहेंगे कि जो इस तरह से ठगी में फंस रहे हो, तो उनको कोई सलाह देना चाहेंगे? देख मतलब जैसे अब हम थोड़ा हम कहते तो एक दिन कहें ना, कहें भैया इस तरीके काम ना किया, कौनों काम किया खूब सूझ बूझ के। पूर्ण चेतना संस्था की तरफ से जो ये अभियान चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में जब आपने देखा समझा तो क्या लगा कि ये मददगार है, साबित होती है कुछ आगे? पूर्ण चेतना जो शिविर चलाया जा रहा है, इससे लोगों में जागरूकता फैली है, ये विश्वसनीय है, ये लगता कि हमारी ये मदद पूरी भरपूर करें, इनसे हम लोग संतुष्ट। तो आप लोगों को इनकी तरफ से दिया गया हुआ जानकारी सही लगी? सही। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो इस जानकारी को क्या आप अपने से आगे तक पहुँचाएंगे कि बस अपने तक ही रखेंगे? चलिए आइए हम एक पीड़िता से बात करते हैं। ये हमारे सामने एक चौथी जी हैं जो कि तरुण चेतना अभियान के दौरान यहाँ पे आए और इन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने रखी, जिसके बाद में इन लोगों ने इनकी मदद करने का पूरा भरोसा दिया है और कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कत महसूस हुई।
और किस वजह से ये ठगे गए और किस तरीके से ठगे गए, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं चाहते हैं, चोरी चोरी पैसा मतलब मांग मांग के धीरे धीरे ले गए 45,000 रुपया। कौन ले गए? कुद्दूस। किस लिए ले गए? लड़का हमारे यहाँ। किस लिए ले गए? सऊदीया भेजने के लिए। अच्छा, सऊदीया भेजने के लिए वो आपसे धीरे धीरे 45,000 रुपया लिया? लिया। तो उसके बदले में कोई कागज वगैरह दिया? खाली पासपोर्ट मिला है। पासपोर्ट मिला है? तो पासपोर्ट तो आप तो पूछे नहीं उस आदमी से कि भैया पासपोर्ट मिल गया, आगे कब कार्रवाई होगी हमारी? बस ऐसे ऐसे 2 साल बीत गया, तीसरा लग गया तो वो चला गया सऊदीया फिर। अच्छा, आपका एजेंट? हाँ। मतलब वो आपका एजेंट आपका पैसा खा के वो वापस सऊदीया चला गया और आपको अभी पिछले 2 साल से सिर्फ ऐसे ही भरोसा दे रहा है। हाँ, कि आपका काम किया जाएगा। काम किया जाएगा। तो जब आपने उसको पैसा दिया था तो आपके पास कोई रसीद या कोई सबूत नहीं है उस चीज का? दो बार पंचायत बटोरा। हाँ। उनके सामने बोला हम मार्च पैसा दे देंगे, तो आज तक पैसा नहीं, मार्च बीत गया, फिर मार्च आने वाला है। तो इस मामले में आज तक आपने कोई पुलिस शिकायत? नहीं, कुछ नहीं किया। तो इसमें फिर आपकी भी गवाह हमारे पास दो गवाह हैं। तो मतलब क्या सोच के आपने अभी तक उनका वो पुलिस कंप्लेन नहीं किया? ये बोला कि मैं देंगे बस। तो मतलब वो आपको झूठे भरोसा देता गया? हाँ, भरोसा देता गया और आप उसके ऊपर यकीन करते गए और दूसरे हाथ से लड़के को भेज दिया सऊदीया। अच्छा, दूसरे हाथ से भेज अपने लड़के को? हाँ, जो पप्पू है टेलर। तो ये आपका परिवार है? हाँ, लड़का है। तो आप ही को सऊदीया भेजने के लिए बातचीत चल रही थी? मेरे भाई की। आपके भाई को? हाँ। का नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। तो आपको ये चेतना के बारे में कैसे पता चला, तरुण चेतना संस्था के बारे में? प्रधान जी ने बताया। अच्छा, प्रधान जी ने आपको इसके बारे में बताया? आज मीटिंग होगी। तो आपको मतलब यकीन है ये आपकी बात सुनेंगे? हाँ, यकीन है। यकीन है? तो इनके द्वारा जो भी बात आपको बताई गई वो आपके समझ में आई? हाँ, हमारे समझ में आई। तो आपको लगता है कि ये लोग सही कार्य कर रहे हैं? हाँ, सही कार्य कर रहे हैं लोग। चलिए, धन्यवाद आपका। तो सर जी, आप थोड़ा सा बताएंगे इस कैंपेन का मतलब कैसे आपसे जुड़े या फिर इस कैंपेन के बारे में हम और कैसे जान सकेंगे? हाँ, ये लोग अपना सर्वे करते रहे। मैं ग्राम का प्रधान था, उसके नाते मेरा दायित्व बनता था कि इन लोगों को इस सर्वे के बारे में, जब इन्होंने हमें बताया कि ऐसा हम काम करते हैं, तरुण चेतना जो कि एनजीओ है जो लोगों को बाहर जाने के लिए काम कर रही है, लोगों को बाहर जाने में क्या ठगी हो रही है, कैसे एजेंट लोग ठग रहे हैं, कैसे पासपोर्ट के नाम पर ठगी हो रही है, कैसे जो है यहाँ से जो है ले जाके वहाँ दूसरे काम कराए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दूसरा होता है, काम दूसरा होता है, और टूरिस्ट वीज़ा पर ले जाके वहाँ पकड़ाया जाता है, फिर भाग के काम करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इन लोगों ने मुझसे आके संपर्क किया। गांव के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये लोग हमसे आए, संपर्क किए, तो हम कहे ठीक है, एक मीटिंग करवा देते हैं, मीटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। तो उसी संदर्भ में आज यहाँ मीटिंग कही थी कि जो है लोग बाहर जाने से पहले प्री प्लान कैसे करें, जो है कैसे तैयारी करें, कैसे ट्रेवल एजेंसी के बारे में कैसे जाने, कौन रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंसी है, कौन नॉन रजिस्टर्ड है, कहाँ धोखाधड़ी नहीं होगी, यही सब के बारे में इन्होंने बताया। तो इसी संदर्भ में आज मीटिंग हुआ और लोगों को यहाँ के सारे जनता को कलेक्ट करके इकट्ठा करके बेसिक बुनियादी चीज़ें बाहर जाने के लिए सारी चीज़ बताई गई कि इस तरह का धोखाधड़ी पे अंकुश लग सके और रोक लग सके, बस यही माध्यम था। आइए, चेतना तरुण चेतना संस्था के उनसे हम बात करते हैं कि अगर इस मतलब संस्था के बारे में कोई आपसे जुड़ना चाहे, कोई आपसे ये जानना चाहे, क्योंकि आज की डेट में यूपी बिहार में कंप्यूटर का और मोबाइल का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है कि हर कोई इंटरनेट चलाता हो या फिर उसके बारे में जानता हो, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है अगर कोई आपसे कुछ बात करना चाहे, कुछ जानना चाहे? जी, जैसे हम बता दें कि हम लोग जो तरुण चेतना संस्था से हैं, जो हमारी संस्था ये है, आप देख सकते हैं, तो एक तो ये माध्यम है कि डायरेक्ट तरुण चेतना आकर के हमसे मुलाकात कर लें, और दूसरे जो हम लोग काम कर रहे हैं प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर दो जिले में, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, गांव में मीटिंग करके, लोगों से मिल करके, पर्सनली होम विजिट करके लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर इस तरीके की मीटिंग करके हम लोग जो है पूरी जानकारी वहाँ पे देते हैं। इस बीच जो हमारी जो जानकारी है जो लोगों तक पहुँचती है, और अगर बीच में कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो लोग तरुण चेतना खुदा करके या तरुण चेतना की वेबसाइट विजिट करके या वहाँ फ़ोन करके या हमारे नंबर पर फ़ोन करके हमसे जानकारी ले लेते हैं। और इस संदर्भ में अगर कोई पीड़ित होता है, किसी का पैसा एजेंट लेके भाग जा रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हर गांव में
कुछ ना कुछ लोग इसके पीड़ित हैं, इससे पीड़ित हैं वो, लेकिन वो उनको पता नहीं है कि वो कहाँ जाएं, कहाँ पे शिकायत करें, किसके पास जाएं, कौन कंप्लेन कहाँ पे जानी है, उनको पता नहीं है। कुछ थाने में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, SO साहब डांट कर भगा देते हैं या कंप्लेन नहीं लिखते हैं, वो वापस चले जाते हैं, या बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग पैसा जो देते हैं, जो एजेंट को फीस देते हैं 40,000, 80,000, 90,000 जो भी दे रहे हैं, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक दे देते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रूफ नहीं उनके पास होता है। वो सारे के सारे लोग जो है कैश पेमेंट करते हैं, जो कोई प्रूफ नहीं रखता। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको जो है जानकारी दें कि वो जो भी पेमेंट करें, ड्राफ्ट के माध्यम से करें, बैंक के माध्यम से करें और चेक के माध्यम से करें, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए प्रूफ का काम करें, जो कि ये एकदम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं। अभी हमारे यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनका जो है 45,000 रुपया एक एजेंट ने लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने पैसा वैसे ही कैश दिया है और उसका कोई गवाह भी नहीं है। इनका पासपोर्ट बनवा दिया है और अभी आज तक जो है वो वेट कर रहे हैं कि इनको बाहर विदेश भेजेंगे, लेकिन वो खुद विदेश चले गए, अभी तक ये यहीं इंतजार कर रहे हैं। तरुण चेतना संस्था का कोई संपर्क नंबर या कोई फेसबुक आईडी या व्हाट्सएप नंबर होगा, जिससे कि आसान तरीके से लोग आप तक पहुंच सके? जी, तरुण चेतना जो पट्टी में ऑफिस है, फेसबुक पेज तो शायद नहीं है, अभी नहीं डेवलप किया गया है। ये इसका एड्रेस हम आपको बता दे रहे हैं, तरुण चेतना प्रतापगढ़, जो लोक सेवा प्रेस पट्टी में है, उसी के सामने ऑफिस है। और ये आप अगर वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको गूगल पे इसकी वेबसाइट और फोन नंबर, कॉन्टेक्ट, सारी डिटेल आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर 0534322644412, मोबाइल नंबर 9889414887। आप इस पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और इसमें जो भी केसेस हैं या जो भी इस तरीके से पीड़ित लोग हैं, हम लोग उनकी सहायता करते हैं और उनको जो रिलेवेंट जो डिपार्टमेंट है कि कौन सा केस कहाँ पे जाना है, वहाँ पे ट्रांसफर करने में उनकी हम लोग पूरी मदद करते हैं। तो जो आप लोगों की तरफ से सेवा दी जाती है लोगों, तो उसका कोई शुल्क है या एकदम निःशुल्क है ये? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें किसी